मॉस्को की रणनीति में क्या गीता यह बात शामिल है कि वो युद्ध को यूक्रेन के आगे ले जा सकता है? देखिए, मॉस्को ने बड़े साफ तरीके से कह दिया है कि यूक्रेन से युद्ध आगे तभी बढ़ेगा अगर नेटो फोर्सेस या फिर यूरोपियन कंट्रीज इंडिविजुअली भी यूक्रेन में कदम रखते हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड इज अनएक्सेप्टेबल श्वेता, और ये मॉस्को का क्लियर मैसेज है नेटो और वेस्ट को। तो अगर वो कदम रखते हैं यूक्रेन में तो रशिया मजबूर हो जाएगा यूक्रेन से बाहर निकलने पर, लेकिन अगर वो नहीं रखते हैं तो वो यूक्रेन पर ही कन्फाइंड रहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस और फोकस जो अभी यूक्रेन, रूस और बाकी सब देश भी दे रहे हैं वो निगोशिएशंस पर है, जहां पर रूस ने साफ कह दिया है कि न्यूट्रलिटी क्लॉज बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अभी तक उस पर कोई कमिटमेंट नहीं दिया है, तो जब तक बात वहां पर आगे नहीं बढ़ती है ऐसे सीजफायर नहीं होने वाला और ऐसी ही बमबारी चलती रहेगी। लेकिन रूस का यूक्रेन से आगे बढ़ने का मकसद नहीं है, और अगर होता तो तभी होगा जब नेटो या फिर वेस्टर्न एलाइज यूक्रेन में घुसे। लेकिन गौरव, ये डर बना हुआ है, ये डर उन सभी देशों में बना हुआ है, खासकर पोलैंड में तो और भी ज्यादा, क्योंकि महज 9 किलोमीटर दूर वहां पर जब मिसाइलें दाग दी गई थी रूस द्वारा, तो उसके बाद और ज्यादा चौकसी वहां बढ़ाई गई, और अब आपकी ये रिपोर्ट है कि वहां पर अमेरिका की ओर से भी हम इस हिसाब से तैनाती देख रहे हैं जो कि एहतियाती तैनाती हम मान सकते हैं। और ये बहुत बड़ी तैनाती है श्वेता, जो यहां पर मोकरे जामोश के इलाके में की गई है। अमेरिकन बूट्स ऑन ग्राउंड यहां पोलैंड में, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, उनके जो अस्त्र शस्त्र है यहां उनको तैनात किया जा रहा है, क्योंकि ये पोलैंड में ये डर है कि ये लड़ाई अगर आगे बढ़ी तो सबसे पहले पोलैंड पर ही इसका असर पड़ेगा। क्योंकि अगर आप राजधानी कीव की स्थिति देखें तो यूक्रेन इस समय चरमरा रही है वहां पर व्यवस्था, वहां पर काउंट टैक्टिकल डिफेंस तो वो करने में सक्षम है, लेकिन स्ट्रेटेजिक तौर पर कितने समय तक वो रह पाएंगे? आप मारियोपोल को देखिए, रूस की सेना इस समय मारियोपोल शहर में है। अगर आप खर्सन को देखिए, रूस की सेना वहां मौजूद है। आप डॉनबास से पूरा इलाका अगर आप देखें तो डॉनबास से लेकर क्रीमिया तक जो रूस एक पूरा कॉरिडोर चाहता था वो उसके कब्जे में आ गया है। लगभग पूरा डॉनबास इस समय रूस के पास है, तो एक बहुत बड़ी विजय के रूप में रूस इसे देखेगा। हालांकि नेटो देश ये दावा कर रहे हैं कि रूस के लगभग 15,000 सिपाही मारे गए हैं, बड़ी संख्या में सिपाही घायल हुए हैं, और इसके बाद भी ये लड़ाई डिसाइसिव विक्ट्री रूस की नहीं हुई है। लेकिन रूस की अगर आप दृष्टि से देखें तो पूरी सुरक्षा राष्ट्रपति जेलेंस्की की कीव तक सिमट कर रह गई है। अलग अलग भागों से कीव के एयर डिफेंस के लिए सिस्टम्स को लगाया जा रहा है, और जो उनके बॉर्डर के इलाके हैं वो कमजोर लगातार पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में चाहे आप सी ऑफ अजोव की बात करें या ब्लैक सी की बात करें, वहां पर जो रूसी बेड़े हैं वो समुद्र पर अपना वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। यहां तक कि यूरोपियन यूनियन को यह कहना पड़ा कि जो गेहूं भेजा जा रहा है, लगभग 30 लाख लोग जो आंतरिक रूप से विस्थापित हुए हैं यूक्रेन के अंदर, उनके लिए खाना, या फिर जो करीब 22 लाख लोग निकलकर यहां पोलैंड आए हैं और देशों में गए हैं, उनके लिए रसद सामग्री जो समुद्री रास्ते से आ रही है, रूस उसे आने नहीं दे रहा है ओदेसा के पोर्ट पर। जमीनी स्थिति इस समय यह है। राष्ट्रपति जो बाइडेन जब यहां पहुंचेंगे तो ब्रसल्स में उनकी बहुत महत्वपूर्ण 3 बैठकें हैं। एक नेटो की इमरजेंसी बैठक जिसको राष्ट्रपति जेलेंस्की भी संबोधित करेंगे, दूसरी यूरोपियन यूनियंस की, तीसरी G7 की बैठक। ये महत्वपूर्ण देश आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे जब परमाणु युद्ध की धमकी दी जा रही है। और श्वेता, ये बहुत बड़ा खतरा है, क्या हम एक तृतीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ रहे हैं? जिस तरह से जैविक हथियारों के इस्तेमाल की बात हो रही है, जिस तरह रासायनिक हथियारों की बात हो रही है, तो क्या न्यूक्लियर केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर की स्थिति को हम देख रहे हैं? इस पर जो बाइडेन ने खुद कहा है कि ये बहुत बड़ा खतरा है जिस पर चर्चा होगी। फिर आर्थिक प्रतिबंध किस तरह से लगाए जाएंगे रूस पर आने वाले समय में, जो और कड़े किए जाए, क्योंकि रूस ने भी कह दिया अगर यूरोप को गैस चाहिए तो अब उसे रूबल में पेमेंट करना पड़ेगा। जर्मनी से घबरा रहा है, जर्मनी से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह रहा है, तो रूस भी अब पलटवार कर रहा है। और ऐसी परिस्थिति में आगे की रणनीति, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पोलैंड और यूक्रेन दोनों के लिए, मिलिट्री असिस्टेंस नेटो देशों के लिए, 4 बैटल ग्रुप्स इस समय यहां पर तैनात किए जा रहे हैं, स्लोवाकिया में, हंगरी में, पोलैंड के आसपास
सर्फेस टू एयर मिसाइल्स, पेट्रियट सिस्टम, स्ट्रेला सिस्टम जो भेजे जा रहे हैं इस समय जर्मनी से यूक्रेन के अंदर, तो बहुत ज्यादा इस समय सैन्य और सामरिक जो हथियार है वो सब इस पूरे क्षेत्र में तैनात किए जाएंगे। विश्व की एक तरह से रीअलाइनमेंट बहुत जबरदस्त आने वाले दिनों और हफ्तों में हमें दिखेगा श्वेता यहां पर।